हमारे साथ बदमाशी किया उन लोगों ने। प्रोफेसर की रखेल तक भी बोला मेरे को, पर ठीक है कोई बात नहीं। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है। सही बात है, पर ठीक है कोई नहीं। हम मेहनत करते हैं और ये एकदम सही बात है। हम गाते नहीं है, हाय बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं रोने नहीं आई थी एक्चुअली, मैं आप लोगों को बता दूं, और मुझे किसी से भी सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं भावुक हो जाती हूं क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है मैं एकदम सच्ची हूं। मुझे ये बात एकदम पता है, क्योंकि यार ईमानदार आदमी, मुझे लगता है हर ईमानदार आदमी ना भावुक ही होता होगा। बेईमानों का कोई दीन ईमान नहीं होता है। उनको रहे कि मोटी रकम खा रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, क्या दिक्कत है। पर ठीक है, देखिए क्या है, चार लोग हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, 19.7 के लोग अभी हम जुड़े हुए हैं। चार लोगों को हमारी बात का फर्क पड़ता है, चार लोगों पे, इसलिए मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टाइप की हूँ, पर इतना जरूर है कि अगर कोई लड़की यूपी में काबा गाती है तो वहां की सरकार को उसका जवाब देना पड़ जाता है। तो हमारी बातें सुनी जाती हैं, ये बात तो तय है, या हमारी बातों का असर तो होता है, ये बात तय है। मैं इसीलिए बेरोजगार छात्रों की आवाज उठाऊंगी, भैया इसमें हमारा कोनो फायदा नहीं है, और किसी युवा ने मेरे को पैसा नहीं दिया हुआ है, एक ये भी बात मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ। और किसी ने मेरे को, एक दो लोगों ने कॉल किया था, अगर वो कॉल नहीं भी करते तो भी नेहा सिंह राठौर उनकी आवाज उठाती अपनी, और उसे पहले से भी मैं गाती ही रही हूँ, उनकी आवाज सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश अपनी गायकी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से करती ही रही हूँ। ये बात यकीन मानिए, किसी ने हमको पैसा नहीं दिया है, बेरोजगारों ने मुझे पैसा नहीं दिया है इस चीज के लिए, ठीक है। किसानों ने भी मुझे पैसा नहीं दिया था, और क्या बोलते हैं, हाथरस वगैरह में जो सारी चीजें हुई थी वो लोग भी हमको पैसा रुपया नहीं दिए थे। सच बताऊं तो मैं जानती भी नहीं, मैं कभी हाथरस गई भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं हाथरस गई भी नहीं हूँ। बस मुझे इतना पता है कि वो उत्तर प्रदेश में है, इतना पता है मुझे, पर मुझे कहीं से पैसा वैसा फंडिंग वंडिंग नहीं हुआ है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बेरोजगारी पर गाऊं तो लोग कहने लग जाएं कि ये तो फंडेड वीडियो है, तो फंडिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है, और भरोसा करिएगा नहीं ही हुआ है। और एक चीज, प्रयागराज के जो छात्र हैं, बहुत बढ़िया बर्ताव, बहुत बढ़िया व्यवहार तो नहीं रखा है मेरे साथ। आप लोगों को भी पता है, गर्दा कमाल कैले हो के टाइम में मैं रो दूंगी, अगर अभी मैं बोलूंगी तो मैं बहुत भावुक हो जाऊंगी, पर ठीक है। बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है, ये एकदम सही बात है। खैर छोड़िए, मुझे रोना गाना नहीं है। उस टाइम पे हमने जब गाया था गर्दा कमाल कैले हो, तो हमारे साथ बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत अश्लील बातें लिखी थी लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। पर उससे पहले से भी मैं गाती रही हूं बेरोजगारों के लिए। हमारे साथ बदमाशी किया उन लोगों ने। प्रोफेसर की रखेल तक भी बोला मेरे को, पर ठीक है कोई बात नहीं। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है। सही बात है, पर ठीक है कोई नहीं। मैं क्या कह रही थी कि मैं जो मेरा काम है वो मैं करती रहूंगी, जिसको जो कहना है कहे, और ठीक है बढ़िया है। मैं रो नहीं रही हूँ, कई लोग मुझे पता है यहाँ से कट पेस्ट करके लगाएंगे कि नेहा सिंह राठौर रो रही थी क्योंकि उसको ट्रोल किया गया था। पर देखो, ट्रोल होने पे बुरा लगता है, बुरा लगता है, और बुरा तब ज्यादा लगता है जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, तब ज्यादा बुरा लगता है। नहीं बुरा लगता है यार, पैसा रुपया लेके खा के मस्त रहते हैं, हम भी चार गाली खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, तो बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आदमी मेहनत से काम करता है तो बुरा लगता है। हम मेहनत करते हैं और ये एकदम सही बात है।
हम गाते नहीं है, हाय बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा दे दो पैसा दे दो, पैसा के भूखे नहीं है। अरे ठीक है, तो मैं सोच रही हूं कि पार्ट थ्री में अभी ना गा करके, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि पार्ट टू गाया पार्ट थ्री भी गाना, पार्ट थ्री ना गा करके मैं जो है बेरोजगार युवा के लिए जिन्होंने जिनके साथ प्रशासन ने बर्बरता करी है, मारपीट करी है, हॉस्टल के कमरों से निकाल निकाल करके पीटा है, मैं उसके लिए बेरोजगारों की क्या बोलते हैं आवाज अपनी गायकी के माध्यम से लेखनी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मुझे पता है बहुत गलत तरीके से किया था ट्रोल मुझे उस टाइम पे, और मैं जब गूगल पे सर्च करती हूँ, मैं खुद भी सर्च करती हूँ कि कौन है नेहा सिंह राठौर, कभी ऐसा होता है ना कि देखे तो हमारे बारे में क्या आता है, इतना ट्रोल किया डिफेम करने की कोशिश करी कि गूगल बताता है कि इलाहाबाद वाले गाने पे नहीं कि इलाहाबाद वाला कोई गाना गाया था, इसके बाद वो विवादों में आई थी, यही है नेहा सिंह राठौर। मैं नहीं चाहती कि कभी इस तरह से विवादों में आई थी नेहा सिंह राठौर से मेरी पहचान हो, या फिर कोई मुझे जाने, कोई मुझे सर्च करे, कोई मुझे देखे तो इस तरह से आए, पर हर बात का यहाँ विवाद हो जाता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मैं रोने नहीं आई थी एक्चुअली, मैं आप लोगों को बता दूं, और मुझे किसी से भी सहानुभूति नहीं चाहिए, मैं भावुक हो जाती हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं एकदम सच्ची हूं, मुझे ये बात एकदम पता है, क्योंकि यार ईमानदार आदमी, मुझे लगता है हर ईमानदार आदमी ना भावुक ही होता होगा, बेईमानों का कोई दीन ईमान नहीं होता है, उनको रहे कि मोटी रकम खा रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, क्या दिक्कत है।